हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल और वाइस वर्सा सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। ठीक है, फिर उसका एग्जांपल हम देखेंगे और स्केलर ट्रांसफॉर्म उसको भी हम देखेंगे एग्जांपल से कि स्केलर वैल्यू दी अगर दी हो कोई एक कोऑर्डिनेट्स में तो उसको दूसरे कोऑर्डिनेट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म किया किया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सपोज हमें वेक्टर दिया है, सपोज हम क्या करते हैं, अभी मान लो कि कोई एक वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, हम पहले क्या करेंगे कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो वेक्टर ए दिया है, ए इज इक्वल टू सपोज हमें एक्स एक्स प्लस ए वाई प्लस प्लस ए जेड। ठीक है, ये वेक्टर हमें दिया है, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड ये तीनों जो वैल्यू है वो है स्केलर कंपोनेंट, और दोनों को ये पूरा जो है वो है वेक्टर। एक्स एक्स है वो है वेक्टर कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का, ए वाई वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वाई डायरेक्शन, ए जेड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ जेड डायरेक्शन। सो ए इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। और हमें ये वेक्टर चाहिए ए रो ए रो यूनिट वेक्टर प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड इस टर्म में चाहिए, यानी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चाहिए। तो मेथड क्या है, मेथड जो है वो है अगर पहले मुझे स्केलर कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे, यानी ए रो ए फाई और ए जेड। ए रो ए फाई ए जेड फाइंड करने की मेथड जो है वो है वेक्टर जो ए दिया है उसको यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट ए रो, यानी ए जो है ए टर्म उसका डॉट प्रोडक्ट ए रो के साथ करेंगे। तो हम वन बाय वन करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर के साथ ही हो सकता है, यानी स्केलर क्वांटिटी पहले आउटसाइड ए एक्स ए एक्स डॉट ए रो, यानी हो गया ए एक्स डॉट ए रो प्लस दूसरा जो है ए वाई डॉट, यानी स्केलर क्वांटिटी पहले बाहर ले लेता हूँ ए वाई, फिर ए वाई डॉट ए रो यूनिट वेक्टर ए वाई डॉट ए रो प्लस वापस से ए जेड बाहर की साइड और ए जेड डॉट ए रो, यानी ए जेड डॉट ए रो हो गया। अभी क्या करना है, एक्स एज इट इज एक्स डॉट ए रो, यानी हम यहाँ पे टेबल देखेंगे। ठीक है, एक्स डॉट ए रो की वैल्यू क्या मिल रही है वो है टेबल से एक्स डॉट ए रो यानी कॉस फाई। तो हम वैल्यू रखेंगे एक्स डॉट वो हो गई कॉस फाई प्लस ए वाई डॉट ए रो, यानी ए वाई डॉट ए रो हो गया साइन फाई, यानी ए वाई इंटू साइन फाई प्लस ए जेड डॉट ए रो, वो जो वैल्यू है वो है जीरो, यानी ए वैल्यू हो गई जीरो तो उसकी वैल्यू है जीरो, यानी ए रो कंपोनेंट है वो हो गया ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे ए फाई कंपोनेंट। ए फाई कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो सेम ए फाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट करना है ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई के साथ। ठीक है, तो डायरेक्टली हम करेंगे एक्स है वापस ए एक्स कॉमन क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर ए एक्स डॉट यूनिट वेक्टर ए फाई, यानी ए एक्स डॉट ए फाई प्लस डायरेक्टली हम लिख देते हैं ए वाई ए वाई डॉट ए फाई प्लस ए जेड डॉट ए फाई इज इक्वल टू, वापस से हम टेबल का यूज करेंगे। टेबल में क्या है भाई, एक्स डॉट ए फाई, ठीक है एक्स डॉट ए फाई वो उसकी वैल्यू है माइनस साइन फाई, तो ये हो गया माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई डॉट ए फाई, तो ए वाई डॉट ए फाई की वैल्यू है कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाई इंटू कॉस फाई प्लस ए जेड डॉट ए फाई। ठीक है, ए जेड डॉट ए फाई, ए जेड डॉट ए फाई की वैल्यू जो है वो है जीरो क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो गया जीरो, यानी ए फाई कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमें ये मिलती है ए फाई इक्वल टू माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई। और जो लास्ट है वो तो सेम ही है, दोनों का स्केलर कंपोनेंट ए जेड इज इक्वल टू ए जेड, यानी ए रो ए फाई ए जेड ये हो गया। यानी जो वेक्टर बनेगा वो कैसे मिलेगा, यानी ए इज इक्वल टू वेक्टर ए सिलिंड्रिकल फॉर्म में ए इज इक्वल टू ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा, यानी ए रो
यूनिट वेक्टर है जीरो, प्लस ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये अगर तीनों वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे तो हमें वेक्टर मिलेगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। इससे उल्टा अगर वेक्टर हमें दिया है, अगर वेक्टर हमें दिया है इस ए, मान लो कि ए वेक्टर दिया है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलिंड्रिकल वेक्टर कोऑर्डिनेट्स में, यानी ए रो ए फाई ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड ऐसा दिया है, और हमें फाइंड करना है इस वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, यानी हमें फाइंड करना है ए एक्स ए वाई ए जेड। पहले स्केलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे, यानी ए एक्स क्या मिलेगा, तो ए एक्स हमें मिलेगा, आगे की जो प्रोसीजर है वो सेम, जो सेम यूनिट वेक्टर है उसको डॉट प्रोडक्ट करो यूनिट वेक्टर ए एक्स के साथ, तो आंसर जो है वो मिलेगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे एरो एरो डॉट ए एक्स। ठीक है, अभी हम एरो डॉट ए एक्स का टेबल से डायरेक्टली वैल्यू ले लेंगे, एरो डॉट ए एक्स जो है वो है कॉस फाई प्लस, एरो डॉट ए एक्स है कॉस फाई प्लस ए फाई, फिर ए फाई डॉट ए एक्स है, ए फाई डॉट ए एक्स है माइनस साइन फाई प्लस ए जेड डॉट ए एक्स, ए जेड डॉट ए एक्स की वैल्यू होती है जीरो, वो हम नहीं लिखते, यानी ए एक्स इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू मिल गई एरो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे ए वाई की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू सेम वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट करेंगे यूनिट वेक्टर ए वाई के साथ, वापस से हम क्या करेंगे एरो डॉट ए वाई, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे एरो एरो डॉट ए वाई, टेबल से ये वैल्यू हमें मिलती है साइन फाई प्लस ए फाई एंड ए फाई डॉट ए वाई, ए फाई डॉट ए वाई जो है उसकी वैल्यू मिलती है कॉस फाई प्लस ए जेड डॉट ए वाई, वो तो जीरो हो गई यानी हम नहीं लिखते हैं, तो ए वाई इज इक्वल टू जो वैल्यू मिलती है वो है एरो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई, और जो लास्ट वैल्यू है वो है वो तो सेम ही है ए जेड इक्वल टू ए जेड। तो हमें एक वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन, तो वो हमें मिलता है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ये तीनों वैल्यू है ए एक्स ए वाई ए जेड, ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो ये हो गया सिलिंड्रिक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल एंड सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एग्जांपल है कि मान लो कि एक वेक्टर दिया है ए, हम करेंगे कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, उसका वेक्टर ए दिया है ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड, इसको मुझे चाहिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ए इज इक्वल टू, तो हमें क्या पहले क्या फाइंड करना है ए रो ए फाई ए जेड स्केलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट दिया है ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, तो ए रो क्या होता है, ए रो यानी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर ए रो। ठीक है, अभी आगे के इक्वेशंस भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, भाई ए रो क्या है, ए रो इज इक्वल टू ए डॉट ए रो। ठीक है, तो यहाँ पे ए रो कंपोनेंट दिया है आगे के इक्वेशन से, ए डॉट ए रो इज इक्वल टू ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। तो अगर मैं लिख लूँ ए एक्स कॉस फाई, ए एक्स यानी एक्स यानी ए हो गया एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई यानी वाई साइन फाई, वाई साइन फाई। ठीक है, दूसरा जो है वो हमें रिप्लेस करना है एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स क्या, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू जो हमें मिलता है रिलेशनशिप कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में वो है एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई और वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है हम क्या करेंगे उसको इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, रो कॉस फाई इंटू रो कॉस फाई, ये हो गया रो कॉस स्क्वायर फाई प्लस y इक्वल टू रो साइन फाई, यानी ये हो गया रो साइन स्क्वायर फाई। अगर मैं रो कॉमन निकालता हूँ तो रो के अंदर ब्रैकेट में बचता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और
ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव होता है 1, यानी ए रो कंपोनेंट की वैल्यू है, सॉरी स्केलर कंपोनेंट, ए रो इज इक्वल टू रो, ठीक है। उसके बाद जो हमें मिलेगा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ए फाइव यानी वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए फाइव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम वापस से डायरेक्ट लेंगे तो ए क्या मिलेगा हमें, ए फाइव इज इक्वल टू माइनस ए एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कॉस फाइव, यानी माइनस ए एक्स है एक्स, या माइनस एक्स इंटू साइन फाइव प्लस ए वाई यानी वाई कॉस फाइव, ये हम डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो एक्स क्या है, एक्स रो कॉस फाइव, एक्स की वैल्यू रो कॉस फाइव है, तो हम माइनस रो साइन फाइव कॉस फाइव प्लस वाई की है रो साइन फाइव यानी रो साइन फाइव कॉस फाइव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया 0, यानी फाइव कंपोनेंट है ही नहीं, ए फाइव इक्वल टू 0। और जो तीसरा है जो कंपोनेंट वो है ए जेड, और ए जेड इक्वल टू ए जेड, ये दोनों सेम ही है, यानी ए जेड इक्वल टू जेड, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेक्टर ए जो है वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो ए रो प्लस ए फाइव, तो 0 है यानी 0 इंटू ए फाइव 0 प्लस जेड ए जेड, तो ये हमें आंसर मिल गया वेक्टर ए इन टर्म्स इन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे स्केलर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर स्केलर पॉइंट्स दिए हैं, स्केलर कोऑर्डिनेट्स दिए, वैल्यू डायरेक्ट दिए, स्केलर वैल्यू यानी सपोज वेक्टर ए जो है उसकी स्केलर वैल्यू 1, 2, 3 है सपोज, अगर वो हमें दिया है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम मुझे क्या चाहिए, ए यानी रो फाई जेड चाहिए, एक्स वाई एंड जेड दिया है, तो हम सीधा इक्वेशन यूज करेंगे, रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी हो गया रूट फाइव। फिर फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स यानी टेन इनवर्स टू, 2 डिवाइड बाय 1, 2 टेन इनवर्स 2। और जेड इज इक्वल टू, तो सेम ही है, जेड इक्वल टू 3, यानी ए जो है हो गया इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रूट फाइव कॉमा टेन इनवर्स टू, जो भी एंगल मिलता है वो टेन इनवर्स टू कॉमा 3, ठीक है। और उससे उल्टा कि सपोज हमको कोई वेक्टर दिया है, ठीक है, कोई वेक्टर ए दिया है, उसकी आर दी है रेडियस रो, सपोज वो दी है 3, फाई दिया है एंगल सपोज 60 डिग्री दिया है, और अगेन जेड दिया है 2, अगर इसको कन्वर्ट करना हो हमें, ठीक है, हमें एक्स वाई जेड में यहाँ पे दिया है रो फाई जेड, और हमें चाहिए ए ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो वो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई यानी 3 इंटू कॉस 60, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आती है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओके, cos 60, 3 इंटू cos 60 ये जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाइव, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाइव यानी 3 इंटू साइन 60, एंड जेड इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 3, तो हमें आंसर मिलता है ए 3 cos 60, cos 60 की जो भी वैल्यू है वो टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू साइन 60 और कॉमा 3 एक्स वाई जेड। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।